धार के बदनावर में बीती रात यहां सब्जी मंडी प्रांगण में श्री लक्ष्मी गौशाला ट्रस्ट द्वारा एक श्याम गौमाता के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अल सुबह तक सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी मौजूद रहे, जो की भजनों पर जमकर झूमे। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गौरतलब है कि बदनावर में लक्ष्मी गौशाला में गाय को पूजनीय माता मानते हुए प्रसिद्ध भजन गायक आशा वैष्णव की भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें बदनावर सहित आसपास के काफी श्रद्धालु भजन संध्या में पहुंचे थे, जहां उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी पहुंचे। उनके साथ भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी आए, जो की भजनों पर जमकर झूमे। भजन संध्या में बाल कथक कलाकार और धारावाहिक रानी अवंतीबाई लोधी फेम रूपल जैन भी शामिल हुई, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इस मौके पर मंत्री दत्ती गांव ने 2,51,000 रुपए अपनी ओर से गौशाला में दान में देने की घोषणा की। भजन संध्या में मधुबाला राव, देवेंद्र प्रवार, लाला मस्ताना, आशीष मराठा, नागेश कमलेश, काठा बंधु, अंशुल कोठारी, शुभम शर्मा व शुभम दक ने भजन गाए। भजन संध्या के सूत्रधार गौरक्षक त्रिलोक भाई मोदी, संगीतकार अहमदाबाद थे। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष मीना शेखर यादव भी शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बदनावर।